क्योंकि इतिहास के पन्नों में सब कुछ जो पढ़ा जाए, जो जाना जाए, वो सब कुछ उचित है और इतिहास की जानकारी सबको होनी चाहिए। तो हर घर में आज रामायण रहता है, गीता रहता है, महाभारत रहता है, और ये सब तो इतिहास है, इस देश की इतिहास है, परंपराओं की जानकारी रखना, तो इसमें गलत क्या है? जितने लोग रखे अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ जितने लोग इतिहास की जानकारी रखे, इतिहास के बारे में बताए, जो बच्चा जन्म लेता बेचारा उसको क्या मालूम कि यह देश इस देश की संस्कृति कितनी पुरानी है, आपको तो वो इतिहास से ही पढ़ता है ना। सिलेबस में तो होना चाहिए, इतिहास की जानकारी तो सबको होना ही, मतलब सिलेबस में तो आना चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मैं जो समझता हूँ और मानता हूँ कि इतिहास की जानकारी जितने लोगों को होगी उतना बेहतर होगा, अपने देश की परंपराओं के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में सबको जानकारी होना ही चाहिए। वहाँ पहुंची का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि राजद जिन कार्यों के लिए जाना जाता है या जिस कार्य के लिए ख्याति है, तो राजद के कार्यशाला पर थोड़ा आप लोग नजदीकी नजर रखिएगा कि वहाँ किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाए। क्या लगता है सर, किस चीज का? आप जिस चीज के लिए प्रख्यात रहे, आप लोग जाते हैं, हाँ तो कैसे जाने दिया जाएगा वहाँ क्या हो रहा होगा, थोड़ा नजदीकी नजर रखिए आप लोग, क्योंकि जिस चीज के लिए राजद की ख्याति रही है, चाहे वो शासन में रहा हो तब या शासन के बाहर रह के भी, और प्रशिक्षक कौन कौन है ये भी जरा पता कर लीजिएगा, प्रशिक्षण देने वाले कौन लोग हैं और उनका इतिहास क्या रहा है, सब पूरा पता कर लीजिएगा। नेता प्रतिपक्ष पाठशाला लगा रहे हैं, नहीं तो सब मैं यही कह रहा हूँ कि नजदीकी नजर आप लोग रखेंगे तो जनता को सही बात पता लगेगा। अब क्या क्या चीज का प्रशिक्षण दिया जाएगा तो जो अंदर होगा वही बताएगा, जो जैसा प्रशिक्षक होगा वैसा प्रशिक्षण देगा, तो प्रशिक्षक कौन है ये बहुत महत्व का विषय है। दूसरा, जो विषय होंगे स्वाभाविक रूप से विषय वही होंगे जो उस पार्टी की कार्य संस्कृति, कार्य परंपरा, पहचान रही है, तो कार्य संस्कृति, कार्य परंपरा और पहचान क्या रही है ये राज्य की जनता भी जानती है, आप मीडिया के साथी भी जानते हैं।